नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। और कप्तानगंज पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी है। 2 दिसंबर 2022 को थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ में लिखित सूचना दिया गया था कि जिसकी एक लड़की थी जिसकी उम्र 16 वर्ष है, स्कूल आते जाते समय जगदम्बा सोनी पुत्र शिव कुमार सोनी निवासी ग्राम जलालपुर जगरंदन पट्टी अपनी कार में बैठा लिया और अपनी जीजा रिंकू सोनी पुत्र सुभाष सोनी के मकान स्थित कप्तानगंज बाजार में ले जाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसका असली वीडियो बना लिया। असली वीडियो दिखाकर और उसे वायरल करने की धमकी दी गई। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पॉक्सो एक्ट के तहत आज उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई करते रहिए, जिसके संचारी रोगों से निदान पाया जा सके। आज 4 दिसंबर 2022 को ग्राम पंचायत आशापुर में विद्यालय के आसपास साफ सफाई करते हुए इस समय जो तरह तरह के रोग प्रकोप चल रहा है उसे देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा झाड़ू लगाया गया, कूड़ा भी फेंका गया और नाले की भी सफाई की गई, दवा का भी छिड़काव किया गया। आज दिनांक 4 दिसंबर 2022 को जिला अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रोड के दोनों पटरी पे पॉलिथीन बीना जा रहा है, कूड़ा हटाया जा रहा है, नाली की सफाई की जा रही है, स्कूल के प्रांगण को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। जनपद के विकास खंड पढ़नी में हासापुर ग्राम पंचायत में स्कूल के आसपास पूरे प्रांगण को ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिला अध्यक्ष सीपी यादव के नेतृत्व में गुलाब चौरसिया, रमेश यादव, अभय चौहान आदि लोगों ने पूरे प्रांगण को साफ सफाई करके सुनिश्चित किया गया। मेहनगर पुलिस ने अपहरण कर बंधक बनाए गए अपहरित इसको को सकुशल बरामद कर लिया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में अगर बात करें तो कुशल जायसवाल पुत्र अजय जायसवाल निवासी पडरौना थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर के द्वारा सोशल मीडिया पर आर्टिकल का काम करता हूं और मेरी जान पहचान करीब 6 माह पहले दीपक यादव पुत्र मोहतार यादव निवासी रायपुर पट्टी थाना मेहनगर आजमगढ़ से हुई थी। दीपक ने मुझको 60,000 वर्क करने हेतु दिए थे। 3 दिसंबर 2022 को मैं मुंबई सुबह करीब 6 बजे दीपक के घर आया। दीपक घर पर मौजूद मिले। जब मैंने अपना लैपटॉप मांगने लगा तो कहे कि मेरा पैसा वापस करूँ तभी लैपटॉप वापस करूँगा। जब मैं उनके दिए गए पैसे को वर्क कर चुका था फिर भी मुझसे अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो में बंधक बनाकर गाड़ी में रखी हुई थी तथा मुझको अपने घर नहीं जाने दे रहे थे तथा गाड़ी को गुप्त स्थान पर रखते थे। मेरे द्वारा विरोध करने पर रास्ते में गाली गुप्ता देते हुए मारे पीटे गए, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज मेहनगर पुलिस ने उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशन में निर्धारित विषय तिथि को नया नाम जुड़ने के मद्देनजर उपजिलाधिकारी संतरंजन ने रविवार को मेहनगर बसीला खुटवा चक खुटवा गौरा प्रथम और द्वितीय करौती कहुनी जाफरपुर कुशमिलिया आदि बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित बीएलओ से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष तिथि निर्धारित कर 4 दिसंबर 2022 को मतदान बूथों पर 4:30 बजे तक उपस्थित होकर जो भी आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं ऐसे आवेदकों के निर्वाचक नामावली के अनुसार प्रारूप भरकर मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए बीएलओ को निर्देशित किया। साथ ही पूर्व में भी जो प्रारूप 6, 7, 8 उपलब्ध हो गया है तो प्रत्येक दशा में उक्त प्रारूप को कार्यालय में अविलंब प्रस्तुत करें। कार्यक्रम में शिकायत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही होगी। अंत में श्री रंजन ने उपस्थित बीएलओ से पूछा कि किसी को उक्त के बाबत दिक्कत हो तो बताएं। साथ ही प्राप्त प्रारूप 6, 7, 8 कार्यालय में समय से जमा कराएं। दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां गोविंद दशमी का स्नान कर घर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप कार व ब्रिजा आपस में टकराई, श्रद्धालु सहित 9 घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें अतरुलिया थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर बाजार के समीप नेशनल हाईवे 233 पर पिकअप ब्रिजा तथा एक कार आपसी टक्कर में श्रद्धालु सहित 9 लोग घायल हो गए, जिसमें
चार की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आपको बता दें डॉक्टरों ने जिला लिया है, रविवार की दोपहर 1 बजे गोविंद दशमी का स्नान वापस कर लौट रहे पिकअप पर लगभग आधा दर्जन श्रद्धालु अपने घर मऊ जनपद के कोपागंज थाना क्षेत्र की ओर जा रहे थे। नेशनल हाईवे 233 कमरुद्दीनपुर के समीप जैसे ही इनकी पिकअप पहुंची, वहां NHAI द्वारा रूट डाइवर्जन किया गया था, जिसकी वजह से मेले की गाड़ियां अपने रॉन्ग साइड चलने को मजबूर थी। सामने से आ रही ब्रेजा कार जो पिकअप को एक कार के ओवरटेक करने के चक्कर में ब्रेजा पहले कार को टक्कर मारी, फिर सामने आ रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में टकरा गई। ब्रेजा और पिकअप का टक्कर इतना जोर था कि पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। पिकअप में सवार श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह पहुंच गए। स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से घायलों को अतरौलिया स्थित 100 सैया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चार की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है और घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। ऐसे सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ब्रेजा चालकों व गाड़ी सवार में श्रद्धालु ने क्या कुछ कहा। एडवोकेट कपिल देव त्यागी, ग्राम गढ़चा। कहाँ से कहाँ आप जा रहे थे अपनी गाड़ी से? मैं अतरौलिया से आ रहा था, आगे से रूट आयोजन था, रूट जो है वहाँ से बंद था, एक का रूट चल रहा था, सभी गाड़ियाँ इधर से उधर से जा रही थी, तो हम आगे आ रहे थे, पीछे से पिकअप आ रही थी और उसके आगे उधर से ब्रेजा आ रही थी, ब्रेजा वाले ने उधर रास्ता खाली थी, इसके बाद भी ब्रेजा पहले ब्रेजा आके मेरे मारा है, मेरी गाड़ी का पूरा गायब हो गई, मेरे हाथ से पूरी चोट लगी हुई है, इसके बाद पिकअप में मारा जा करके, यही ब्रेजा वाला मारा है। ब्रेजा वाले में कितने लोग सवार थे? हम ब्रेजा वाले नहीं थे, हमारी गाड़ी हम अपने थे, लेकिन जब हमारी गाड़ी लड़ी तो खुद दिक्कत हो गई हमको, हम जब गाड़ी लड़ी है तो हमारा खुद एकदम हम लोग एकदम आवाफ हो गए थे। अच्छा, पिकअप में क्या कहते हैं गोविंद साहब से सब लौट के जा रहे थे? हाँ, उसमें भी कुछ लोग सवार थे? हाँ, उसमें काफी लोग थे। काफी लोग थे, हाँ। तो सभी ठीक है, अभी अस्पताल गए हैं? अस्पताल गए हैं। नाम भी आपका? हरशंकर सिंह। कहाँ के निवासी हैं? शेखपुरा। शेखपुरा, ये कैसे एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये रूट डाइवर्ट हुआ था, गोविंद साहब आ रहे थे अपनी साइड से, उधर से ब्रेजा वाले बहुत स्पीड में थे, अपना आए, उसके बाद गोविंद साहब को रगड़े, पिकअप में ठोके, मतलब पहले ब्रेजा वाले ने इनकी गाड़ी पे मार दिया जी, उसके बाद पिकअप पे जी। पिकअप पे कितने लोग सवार थे? गोविंद साहब से आ रहे थे सब लोग जी? जी, कितने लोग सवार थे देखने लगे? अरे वही 10-15 लोग थे। 15 जी। तो सभी लोग घायल हैं? सभी लोग घायल हैं। तो कितने बजे घटना घटी है लगभग? ये 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले जी। तो सभी लोग ठीक है? ब्रेजा में कितने लोग सवार थे? ब्रेजा में शायद 2 ही लोग थे। 2 लोग जी। सभी लोग को अस्पताल ले गया जी। एक्सीडेंट हुआ, 3 गाड़ियां आपस में लड़ी हैं, इसके बारे में बताइए कैसे हुआ, कैसे जानकारी मिली आपको? ये अगर देखा जाए इसमें जो सारी गलतियां NHAI का है, जो कि बिना मतलब का वहां से जो है इसको डाइवर्ट कर दिए, और ये इधर वकील की गाड़ी आ रही, दोनों एक साइड से आए, अकबरपुर साइड से आजमगढ़ की तरफ जा रही, और ये जो है बूढ़नपुर से फैजाबाद की तरफ जा रही थी, इसी कारण से जो है ओवरटेक के चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग घायल होंगे लगभग? घायल करीब 6-7 लोग हुए। ये जो पिकअप में सवारी थी, गोविंद साहब मेला से जा रहे हैं। हाँ, ये गोविंद, कितने लोग सवार रहे होंगे? इसमें करीब 12-15 आदमी लोग रहे होंगे कम से कम। सभी घायल? घायल सब नहीं ना, लेकिन 8-10 लोग घायल हैं। इसमें भी जो है कि एक प्रेग्नेंट औरत, ये नज़दीकी अस्पताल जो है यहाँ रानीपुर गए कि यहाँ पे, क्या नाम? अतरौलिया। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप है। सर, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं मऊ से फैजाबाद जा रहा था। किस गाड़ी से? ब्रेजा से। कैसे घटना घटी इसके बारे में? ये रॉन्ग साइड से 2 गाड़ी आ रही थी, एक पिकअप थी, एक और कोई गाड़ी थी, ये ओवरटेक किए। आजमगढ़ से है, जहाँ निजामाबाद कस्बा स्थित आकाश कोचिंग एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र फराहाबाद पर स्थित एक छात्रा शालू यादव, ग्राम श्रीकांतपुर नामक लड़की की साइकिल चोरी हो गई। सूचना पुलिस को दे दी गई है। चोरी करते चोर का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया है। चोर लाल शर्ट एवं पीले रंग का गमछा लिए हुए है और इधर उधर घूमकर साइकिल लेकर भागते दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आकाश कोचिंग सेंटर के मालिक राजेश कुमार सिंह ने निजामाबाद पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज भेज दो, जांच करते हैं। वहीं पीड़ित छात्रा साइकिल चोरी होने से काफी दुखी और परेशान थी कि अब कोचिंग कैसे जाएंगे।
पर आजमगढ़ से है जहाँ नगर पंचायत अदरौलिया में जीवीवी पॉइंट के तहत शत प्रतिशत साफ सफाई की गई। एसडीएम ने साफ सफाई कर्मियों को बधाई भी दी। आपको बता दें पूरा मामला आजमगढ़ में जीवीपी मुक्त क्षेत्र महाअभियान के तहत 75 जनपद में 75 घंटे के अंदर चिन्हित 2 जीवीपी पॉइंट को शत प्रतिशत सफाई कराने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में नगर पंचायत अदरौलिया के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रम ने नगर पंचायत अदरौलिया में 2 जगह वीपी पॉइंट नियुक्त किया है। इसमें पश्चिम पोखरा के समीप और पंजाब नेशनल बैंक के समीप कई दिनों से कूड़ा रखने की वजह से कूड़ा लग गया था। कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से कूड़े को मुक्त कराकर चुनाव ब्रेकिंग का छिड़काव किया गया और साफ सुंदर क्षेत्र बनाया गया। दोनों नगर पंचायतों के दोनों जीवीपी पॉइंट को जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने निरीक्षण किया। जगह को पहले की अपेक्षा अधिक साफ सुथरा और सुंदर देख उन्होंने सफाई कर्मी अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा और कर्मचारियों को बधाई दी। आज सुनाते हैं कि नगर पंचायत कर्मचारियों ने क्या कुछ किया। पंचायत में लगातार 2 दिन सफाई की, किस नियम के तहत किया जा रहा है इसके बारे में? ये माननीय नगर विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आदेशानुसार 3 दिन का महाअभियान था। जीवीपी पॉइंट, गार्बेज मैनेजमेंट पॉइंट, जो पिछले कई सालों से नगर में कूड़ा जहाँ इकट्ठा हो रहा था, एक अभियान के तहत उसको हटाने के लिए सरकार ने जोर दिया था। 3 दिनों के अंदर 750 निकाय का 75 घंटे का टारगेट था 75 जनपद का, तो जो आज समाप्त हो गया। हमारे निकाय से मात्र 2 वैल्यूएबल पॉइंट दिया गया था, एक लोहिया नगर वार्ड नंबर 4 में था, कार्यालय मोड़ पे, उसके ठीक में मुख्य मार्ग में था, और हमने एक तीसरा वैल्यूएबल पॉइंट भी ख़त्म किया है। वो हमारे निकाय के लगभग 600 मीटर दूर है, पंजाब नेशनल बैंक के बगल में, वहाँ पर भी काफ़ी दिन से कूड़ा लोग स्टोर किए थे, उसको भी हमने पूरी तरह से ख़त्म किया है। तो आज की डेट में हमारे निकाय में कोई भी जीवीपी पॉइंट नहीं है, सभी कूड़ा मुक्त क्षेत्र है हमारा। इसमें हमारे सभी कर्मचारियों ने पूरा सहयोग दिया है, हमारे सरकारी अधिकारी महोदय ने भी, और हमारे लिपिक महोदय और सफाई नायक, सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग था। और कल इसका निरीक्षण माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निरीक्षण भी किया गया सभी जीवीपी पॉइंट के क्षेत्र में, और काफ़ी साफ सुथरा देख कर उन्होंने काफ़ी संतोषजनक व्यक्त किया। हमारे सभी कर्मचारियों को धन्यवाद भी दिया है। सरकार के 30 नवंबर के गड्ढा मुक्त अभियान की हवा निकली, तो वहीं दूसरी तरफ नगर की सड़कों का ऐसा गड्ढा मुक्त किया गया कि नगरवासी भी हैरान है। नगर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। नगर के पुराने कोतवाली से लेकर जामा मस्जिद को जाने वाली सड़क नई बनी, लेकिन सड़क निर्माण ऐसा घटिया हुआ कि बनने के बाद सड़क में गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिसका नगरवासियों ने विरोध किया और अधिकारियों से जाँच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नगर के पुराने कोतवाली से जामा मस्जिद को जाने वाली सड़क खराब पड़ी थी, वर्षों से खराब पड़ी थी। रात में सड़क का निर्माण हुआ तो सुबह लोगों ने देखा कि सड़क तो नई बनी लेकिन काम काफ़ी घटिया हुआ है। हालात यह है कि सड़क के गड्ढे अब भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि सड़क हॉट मिक्स प्लांट से बनी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण काफ़ी घटिया किया गया है, कहीं पर गिट्टी मोटी डाली गई है तो कहीं पर मामूली, जिसमें सड़क के पुराने गड्ढे दिख रहे हैं, किनारे से सड़क की गिट्टी उखड़ रही है। नगरवासियों ने अधिकारियों से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? लल्लन पक्का। अच्छा, जो रोड बन रहा है क्या स्थिति है आपकी जगह? रोड कहीं कहीं अभी गड्ढा दिखाई दे रहा है, नया रोड बना हुआ है लेकिन गड्ढा अभी भी है। संतुष्ट नहीं है लोग? नहीं। कब बनाए पता नहीं चला आपको? नहीं नहीं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के सांसद जी को? सांसद जी से यही कहना चाहते हैं कि वो मौके पे आके देखें या अधिकारी को भेजें, देख लें अपना कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। कोई देखने आ नहीं रहा है और वो जिसे हो रहा है उसे बना के चले जा रहे हैं, कहीं मोटा है कहीं पतला है। कोई मानक नहीं है? नहीं। क्या नाम है? अरविंद कुमार। अच्छा, जो रोड बन रही है क्या स्थिति है रोड? ये रात में पता नहीं कितने टाइम पे बना है और आधी बनी हुई है आधी गड़बड़ बनी है। जो बनी है उसी को कायदे से देख लीजिए कि बीच बीच में बहुत बेकार तरीके से बना हुआ, कहीं पतला है कहीं मोटा है, सही से नहीं बना हुआ है, ना ही खन की गिट्टी डाला गया है, डायरेक्ट सड़क पे मतलब उझल कर पाट दिया गया है, जैसे लग रहा है गले की चिट्ठी पाटी गई है। मानक कोई है इसमें? मानक का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझको लग रहा है अगर कोई बड़े अधिकारी हैं तो एक बार वो जांच कर देख लें कि क्या ये सही तरीके से सड़क बन रही है। आखिर इतने दिनों बाद बन रहा है ये और ये स्थिति है, कब नहीं चलेगा ये? पूरे त्यौहार भर में सड़क और गड्ढे इतने ज़्यादा थे कि बहुत दुर्गति से त्यौहार मनाया गया है, और अगर बन रहा है तो इसको मैं चाहूँगा कि सही तरीके से बनवाया जाए ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना खड़ी हो। कोई अधिकारी जांच करने नहीं आया? कब बन रही है किसी को पता नहीं चल रहा है।
देखने में कैसा लग रहा है? देखने में क्या है, अभी सुबह उठ के हम लोग आए हैं तो देखा जा रहा है कि सड़क तो बनी हुई है और दोनों तरफ आप खुद रिकॉर्डिंग करके देख लीजिए कि बीच में सड़क के गड्ढे नजर आ रहे हैं। जो नई बनी है उसकी बात कर रहा हूँ, और कहीं मोटा है कहीं पतला है और आधी बनी हुई है। आजमगढ़ जनपद के जैनपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हुई हत्या में नामजद दूसरा अभियुक्त ब्रजेश यादव उर्फ बिशु को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में पुलिस ने अभियुक्त मेवा लाल को भी गिरफ्तार कर लिया था। घटना 1 दिसंबर 2022 को है, जहां सूचना मिली कि थाना जैनपुर के बाईपास के पास से जा रहे प्रधानाध्यापक संजय यादव को बदमाशों ने गोली मार दी है। इलाज के दौरान प्रधानाध्यापक की मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात करके उन्हें मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया गया। वादी शैलेश यादव पुत्र राजबली यादव निवासी गुड़ईपट्टी थाना जैनपुर आजमगढ़ की लिखित तहरीर पर स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और पुलिस ने कुछ दिन पहले मेवालाल को गिरफ्तार किया और आज दूसरे अभियुक्त जो नामजद था घटना में उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम ब्रजेश यादव उर्फ बिस्सू बताया जा रहा है। तरबिया से खबर है, जहां युवती के साथ छेड़छाड़ छिड़खाने कर बैर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। बता दें कि थाना क्षेत्र के गांव की पीड़ित युवती ने अतरौली थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि मेरे गांव के ही एक लड़के द्वारा स्कूल जाते समय अश्लील हरकत और बार बार छिड़खाने करता था। मेरे मोबाइल पर उक्त लड़के द्वारा अलग अलग मोबाइल नंबर से फोन करके परेशान करता था। जब हम विद्यालय जाते थे तो हमारे नाजुक अंगों को छूकर परेशान करता था और छिड़खाने करता था। मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था। तंग आकर पीड़ित लड़के द्वारा सारी बातें अपने पिता माता को बताई। माता पिता ने मेरी शादी महाराजगंज थाने में तय कर दी थी। वहां पर भी उक्त लड़के द्वारा फोन करके उसको धमकी देता था और जबरदस्ती शादी करूंगा ऐसा हमको धमकी देता था। शादी नहीं करोगे तो मार देने की भी धमकी लगातार मिलती थी, जिससे लड़की की शादी टूट गई और मानसिक रूप से परेशान हो गई। लड़की के पिता ने बताया कि जब से FIR दर्ज हुआ लगातार धमकी मिल रही है। मुकदमे में सिम लेकर आने का दबाव भी बनाया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित लड़की तहरीर प्राप्त हुई है। छिड़खाने का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित लड़की और उनके पिता ने क्या कुछ कहा। आपको क्या दिक्कत हुई थी? आप रोज थाने पे गई थी, FIR दर्ज कराई, इसके बारे में बताइए। हम स्कूल जाते थे तभी से परेशान करता था, नंबर मांगता था तो मार दिए थे एक झापड़। तो उसी दिन ठान लिया था कि हम तुम्हारा शादी होने नहीं देंगे, तुम्हारा बदनाम करेंगे, तुम्हें मार देंगे, धमकी दे रहा था, परिवार वालों को मार देंगे, तुम्हारी मम्मी को मार देंगे तुम्हें। कौन था, क्या नाम है उसका? संजीव राजभर, गांव का ही निवासी है, पकड़िया जी सर। तो आप लोगों ने FIR दर्ज किया, उसके बाद क्या हुआ? सर हमारी शादी ठीक हुई, फिर उसके बाद शादी ठीक हुई तो परेशान करता, हम कहें कि मत करो ऐसा, मत करो, बहुत समझाएं, हमारे भाई भी समझाए थे, मम्मी पापा समझाए, तो नहीं माना, कह रहा था कि पुलिस जाके कहोगी तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, हमारा नहीं डरेंगे। तो हमारा ये आखिरी फैसला था कि हम पुलिस के पास गए। FIR दर्ज हो गई है, पुलिस क्या कहती है? पुलिस अब जो हम कहेंगे वही कह रही है, वही करेंगे। तो क्या उसके बाद कोई धमकी, FIR दर्ज होने पर कोई धमकी दे रहा है? अभी भी धमकी दे रहा है कि हम मार देंगे, छोटेंगे तभी भी मारेंगे। हाँ सर, आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए। पटेल स्कूल पढ़ते थे, रास्ते में छेड़ता था, पकड़ लेता था, हाथ पकड़ लेता था, घर पे आके कहते थे तो धमकी देता था मारने को, हमेशा हमेशा बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। तो आपसे क्या कहता था, शादी करने के लिए बोलता था? शादी करने को बोलता था, जबरदस्ती। हाँ सर, नहीं करोगे तो मार देंगे। तो आपके परिवार वालों को भी धमकी देता था? हाँ, हमारे परिवार को। कितने हैं आपके परिवार में, कितने लोग? 5 लोग हैं। माल पे बैठेंगे तो उसे भी मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे, मतलब बार बार मारने की धमकी देता? हाँ, बार बार, आगे भी धमकी दी है। अभी कब आपकी शादी तय हुई है, कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? मई में तय हुई जी सर। है कि हम मतलब हमारे लड़की की स्कूल जा रही थी, छेड़ रहा था, हम लोग धमकी भी दे रहा था कि अगर तुम FIR करोगे तो हमें मार देंगे। हाँ, उसको 4 बार 5 बार वाहन लेके जाते थे, उन लोगों को झगड़ा लड़ाई करते थे, अभी भी कहने में कहते थे पुलिस हमारी कुछ नहीं कर पाएगी। कौन, क्या नाम था उसका, कहाँ से? संजू हमें सुरिंदर का लड़का है। हाँ, फिर क्या हुआ, FIR दर्ज किए? फिर हम लोग आखिरी हो गया है जब उसके सास ससुर आए थे, उनके सामने उसका कपड़ा फैलाया हुआ था धो करके, उनके मुंह पर ऐसे ऐसे घुमा करके कहते हम शादी किए हैं, ऐसे सिंदूर पहराए हैं, तो भोसड़ी वाले कैसे आ गए शादी करने के लिए,
था, वो लोग इनकार करके शादी तोड़ के चले गए। आपकी लड़की के साथ छेड़खानी भी करता? हाँ, छेड़खानी भी करता था। तभी ना साहब पहले से उसको बहुत लड़की भी समझाई, हम भी समझाए, हमारी जनानी भी समझाई इन लोगों से, घर से भी, वो लोग इस पे भी नहीं मानते थे, कहते हमारा लड़का कुछ नहीं कर रहा है। अभी क्या कर रहा है? फिर 10 होने के बाद क्या हो साहब? वो गलती मांग रहा है, कहता है अब हमारी दीदी लगती है, अब हमें माफ कर दो। हमें विश्वाम कहानी जो जो तू नंबर कहाँ से पाया, फिर भी नहीं बता रहा है कैसे किया है। अब कहता हम, हमारी गलती हो गई, अब ऐसे हम नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं साहब? इसको हम सोचते हैं थोड़ा दिन की सजा हो जाए इसकी, बस बहुत अटक कर दिया। आपका क्या, पुलिस आपके साथ क्या कर रही है, काम आपका कर रही है कि नहीं कर रही है? अभी साहब कल परसों उसके हो गए, कल बुला रही थी, वो सब कह रहे हैं कि मैं कि सुलह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हम कह साहब कैसे सुलह कर लेंगे? पुलिस दबाव डाल रही है कि जो इसका आरोप है, आरोपी है वो आरोपी, आरोपी को मतलब ये कह रहे हैं कि अगर नहीं सुलह करोगे, इधर उधर गाँव से धमकी दे रहे हैं, कहवा दो कि नहीं करेंगे तो कत्ल हो जाएगा। हाँ, हम काली साहब फिर भी हम समझौता करने के लिए थोड़ा देर के लिए चलो कर दे, तब ऐसी धमकी मिल रही साहब हम नहीं करेंगे, वो लोग हमारा कत्ल करें, बस साहब बस। आजमगढ़ के निजामाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर निजामाबाद तहसील के सामने नंद नगर बाजार से रात 3 से 4 बजे के करीब अज्ञात चोरों द्वारा 5 लाख की चोरी की गई है। भोलेनाथ सिंह पुत्र मिल्लू सिंह निवासी मोइया थाना निजामाबाद की यूनियन बैंक की फ्रेंचाइजी और ATM लगाकर ग्राहक सेवा केंद्र है, जिसके पास से कैश काउंटर में 5 लाख रुपए नगद रख कर वह दुकान बंद कर अपने घर चला गया था। सुबह लोगों द्वारा जानकारी हुई कि ताला टूटा है, तो उन्होंने आकर दुकान के अंदर गए तो वहां देखा कि रुपए गायब थे, लॉक टूटा हुआ था। एटीएम मशीन को तोड़ने का भी प्रयास किया गया था। CCTV कैमरा का मुँह ऊपर किया गया था, कैमरा चालू करने पर दो चोर मुंह बांध कर अंदर तोड़फोड़ कर रहे थे। समय सुबह लगभग 3:45 का CCTV कैमरे में दिख रहा था। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव मय फोर्स लेकर पहुंचे और घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दिया, तो घटना स्थल पर SOG टीम फॉरेंसिक टीम पहुँच कर जाँच पड़ताल कर रही है। कहाँ खड़े हो दादा? तहसील निजामाबाद, यहाँ पे यूनियन बैंक की शाखा चलती है। यूनियन बैंक कहाँ पे है आपका? तहसील निजामाबाद नंद नगर। क्या हुआ है? चोरी हो गई है। लगभग कितने की? 5-6 लाख की चोरी हुई। 5-6 लाख कैसे हुई है? ताला तोड़ दिए थे रात में। दिखाइए आपको जानकारी कब हुई भैया? 5 बजे तो आपने इसकी सूचना थाने को दिया है? जी, इसकी सूचना थाने को दिया है। तो आपने 5 लाख कैसे रखा था? जी, कैश था मेरे पास 5 लाख काउंटर में। अच्छा, काउंटर में था। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में उपजिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत देयकों की वसूली शीर्ष प्राथमिकता से की जाए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी नायब तहसीलदारों से प्रत्येक दिन कम से कम 4 से 5 घंटे क्षेत्रों में रहकर विद्युत वसूली सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराएं। उन्होंने भी कहा कि प्रत्येक दिन सभी नायब तहसीलदार विद्युत वसूली के निस्तारित वादों की रिपोर्ट संबंधित उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने जन प्राथमिकता के बिंदुओं की समीक्षा करते हुए कहा कि IGRS पोर्टल पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिलाधिकारियों, अन्य संदर्भ से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित समय से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नियम कानून के दायरे में रहकर बिना किसी दबाव में आए जन शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पर आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर नरोत्तमपुर गांव के पास महाराजगंज कप्तानगंज मुख्य मार्ग पर दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार की हालत नाजुक बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात करीब 10 बजे आसपास अमरजीत तिवारी पुत्र रणविजय तिवारी उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी महेशपुर थाना महाराजगंज कप्तानगंज की ओर से निमंत्रण से घर जा रहे थे, जबकि दूसरे बाइक सवार शिव कुमार पुत्र रामप्रीत उम्र लगभग 20 वर्ष महाराजगंज से अपने घर कुम्हावत जा रहे थे। तभी नरोत्तमपुर गांव के पास दोनों की आमने सामने की टक्कर हो गई और दोनों
युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर की आवाज सुन आसपास के लोग घरों से बाहर निकले और दोनों की हालत देख तत्काल स्थानीय थाने को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना में घायल दोनों बाइक सवार को गंभीरता से देखते हुए तत्काल एम्बुलेंस बुलाया और दोनों के परिवार वालों को सूचना देते हुए इलाज के लिए मंडली अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि इलाज के दौरान अमरजीत की मौत हो गई है, जबकि शिव कुमार की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। यह सड़क दुर्घटना सड़क के किनारे बने मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भारत मिशन के तहत जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई करते रहिए, जिससे संचार रोगों से निदान पाया जा सके। आज 4 दिसंबर 2022 को ग्राम पंचायत आशापुर में विद्यालय के आसपास साफ सफाई करते हुए इस समय जो तरह तरह के रोग प्रकोप चल रहा है उसे देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा झाड़ू लगाया गया, कूड़ा भी फेंका गया और नाले की भी सफाई की गई, दवा का भी छिड़काव किया गया। आज दिनांक 4 दिसंबर 2022 को जिला अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रोड के दोनों पटरी पे पॉलिथीन बीना जा रहा है, कूड़ा हटाया जा रहा है, नाली की सफाई की जा रही है, स्कूल के प्रांगण को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। जनपद के विकास खंड पन्नी में हासापुर ग्राम पंचायत में स्कूल के आसपास पूरे प्रांगण को ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिला अध्यक्ष सीपी यादव के नेतृत्व में गुलाब चौरसिया, रमेश यादव, अभय चौहान आदि लोगों ने पूरे प्रांगण को साफ सफाई करके सुनिश्चित किया गया। फिर काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में सुनार समाज के कद्दावर एवं फायर ब्रांड नेता वरिष्ठ समाज सेवी सुनार समाज की सभी दिल की दिलों को क्रास करने वाले युवा तेजतर्रार नेता सुनार नरेश सेना के संस्थापक श्री धर्मेंद्र कुमार और पब्लो वर्मा जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश सतना जिले से आए श्री ओम प्रकाश श्राफ एवं सुनार नरेश सेना के श्री श्रवण कुमार सेठ, अविनाश सेठ, विशाल सेठ, अमित सेठ, एडवोकेट जयंत कुमार, किशन सेठ, विजय कुमार वर्मा, राजेश सेठ आदि पदाधिकारी ने सहभागिता लिया। आप सभी का अपना सेवक राहुल सिंह सोनकार, वरिष्ठ बिजली मजदूर नेता सुनार नरेश सेना, मार्गदर्शक। पकड़िए एक लोग इधर इसको, पकड़िए मोबाइलिया पकड़िए तब ना आएगा मेरा। हर साल हम लोग इसी तरह मनाते रहे, बाहर दिन पर दिन हमारे भैया साल दो साल और जवान होते रहे।